गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। सामने व्यू देखो यार, कितना प्यारा है। एंड अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं की विलेज, और आज का प्लान रहेगा काफ़ी शॉर्ट, बट व्यूज़ होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे। अभी हम जाएंगे की मॉनेस्ट्री, फिर उसके बाद जाएंगे हम चीचम ब्रिज, वहाँ कुछ लाइट स्नैक्स खाएंगे, और फिर हम फाइनली चेक इन करेंगे चीचम विलेज में। सो गाइस, कुछ 15 किलोमीटर एंड आधे घंटे की ड्राइव करके काजा से हम पहुंच गए हैं की मॉनेस्ट्री। रोड्स भी एकदम सॉर्टेड है, और ये मैं आप लोग को बता दूं, दिस इज़ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन स्पिति। ऊपर मॉनेस्ट्री में नहीं ले जा रहा हूं, बट आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां से व्यू इतना क्रेजी आएगा ना, बट देखो आप साथ चल के। वेदर काफ़ी सूदिंग है, अभी 2 degrees दिखा रहा है, बट सन इज शाइनिंग ब्राइट। तो मैं एक नॉर्मल हुडी में हूँ। तो मैं जिस व्यू की बात कर रहा हूँ उसके लिए एक छोटा सा हाइक है, एंड वहाँ से वो व्यू मिलेगा जो आपको की मॉनेस्ट्री की फ्रिज मैग्नेट पे दिखेगा। गाइस, प्रेजेंटिंग यू द मेसमराइजिंग व्यू ऑफ द की वैली एंड दिस मॉनेस्ट्री। इट्स अ 5 minutes हाइक एंड ऑल वर्थ। दैट्स द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज, चीचम। भाई लोग, चीचम ब्रिज इज़ अबाउट 9 to 10 kilometers फ्रॉम की मॉनेस्ट्री। हमें लगे 15 to 20 minutes यहाँ तक आने में। अगर आप पूछे काजा से कितना दूर होगा, तो शायद 20 to 25 kilometers होना चाहिए लगभग। गाइज, क्रेजी फैक्ट्स अबाउट द ब्रिज, ये 1000 meters गहरी खाई के ऊपर बना हुआ है, एंड इट टुक अराउंड 14 years फॉर दिस ब्रिज टू बी फुल्ली कंस्ट्रक्टेड। और इवन क्रेजियर पार्ट जो मैं बताने वाला हूँ, उस पर यकीन नहीं होगा एंड होश उड़ा देगा, कि ये 2 पहाड़ियों को पहले विलेजर्स रोप वे से पार करते थे। ब्रिज की हाइट है कुछ 4000 meters, एंड यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। तो अगर आप लोग कभी भी प्लान कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना। विल हैव मैगी हियर एंड शायद सैंडविचेस भी मिल जाए। असल फ्रीकिंग आउट वाली चीज़ तो इधर है, इसलिए माउंटेन खाई। गाइस, दैट्स चीचम ब्रिज, हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन एशिया। एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। यू सी स्मॉल केव लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे स्नो लेपर्ड सबसे ज़्यादा स्पॉट होता है। लेट मी गो टू द अदर साइड। गाइस, अभी देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे जो ये सेक्शंस बने हुए हैं, सो दीज आर द केव लाइक स्ट्रक्चर्स जो मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड आता है ड्यूरिंग विंटर्स। सो ऐसे फूड ट्रक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे टू ईट। So tonight's stay is Chicham, that's Chicham village in front. Welcome to Chicham village. So आज का स्टे अपना चीचम के बहुत ही कोजी एंड प्यारे होम स्टे में रहेगा। एंड चीचम के बारे में बताऊं तो चीचम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा विलेज है, सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4100 meters। और स्पेशलिटी या फिर अगर मेन अट्रैक्शन बोलूं, तो वो इस विलेज की रॉ ब्यूटी है। टेम्परेचर अभी मेरे को दिखा रहा है रात में -3 -4 तक जा सकता है, एंड विंटर्स में तो एकदम एक्सट्रीम ही रहता है इधर। Guys, that's the raw beauty I was talking about earlier. Just look at the view, यार कितना beautiful है। And ये जो सामने आप property देख रहे हो, ये है हमारा आज रात का stay।
Look at the sky, look at the mountain, so beautiful. How's the feeling, guys? Good. Having a good time, everybody. Having a good time? Yes. Nice. As long as Tandoor is here, everybody will chill. So guys, checking out of Chicham and we are heading to Chandutal. Let's see, गाड़ी एक self में start होगी या नहीं होगी. Heater ले रही है. Let's wait for the heater. Okay. So temperature कुछ minus 4-5 types दिखा रहा था फोन में. And गाड़ी ने लोड भी लिया है.